राइट नाउ मैं हूँ यला में। 130 मतलब 35 रुपए का गाइस इंडियन करेंसी में। पहुँच गया रेडिशन में। यला से गेल तक आने में 2 घंटे लगे। ये जैसे बिहार में हम लोग देखते हैं ना, खपड़ा ऊपर डाल के रखते हैं, और इस तरफ ये पूरे नज़ारे, तरफ ये देखो पूरा होटल का प्राइवेट बीच है। मस्त पिज्जा खा के आते हैं। चलिए सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। राइट नाउ मैं हूँ यला में और रुका हुआ इको सफारी में, और अब आज मैं यहाँ से जाऊँगा गेल। कुछ 2 घंटे की जर्नी होने वाली है, बट उससे पहले पीछे ये स्विमिंग पूल देख रहे हो, इसके बगल में इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के मस्त बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, ये फ्रेंच टोस्ट, थोड़े से फ्रूट्स, ब्राउनी, केक, और ये चोकोज है, और ये है इनका रेस्टोरेंट, और यहीं बैठ के अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो गाइज अभी ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया हूँ रूम में, लगेज ऑलरेडी भेज दिया है मैंने, और अब मैं यहाँ से चेकआउट करके निकलूँगा। बट यार ब्रेकफास्ट में ना इनके पास इंडियन ऑप्शंस कुछ नहीं थे, श्रीलंकन ऑप्शंस थे और वेस्टर्न क्यूजिन में था, लेकिन ब्रेड ऑमलेट वगैरह खा के काम चला लिया, ठीक है। जूस वगैरह था तो आप वो सब आप लोग पी सकते हो, तो बाकी तो हो गया यार। यहाँ पे स्टे काफ़ी कंफर्टेबल था, सही था। बाकी इनका स्पा अभी वर्किंग में है नहीं, तो है बट वो बंद है, और जिम नहीं है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर होटल ब्लॉग में देखना। फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं गेल। तो अभी चेकआउट कर दिया है, और ये देखो बारिश भी होने लगी, मस्त बारिश हो रही है। तो अभी बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फर्स्ट टाइम श्रीलंका में अभी 4 लेन हाईवे देखने के लिए मिल रहा है। 5 दिन हो गए थे, हर जगह गाइस 2 लाइन था, बट अभी देख रहे हो गाड़ी भी नहीं दिख रही है। आई गेस न्यूली बिल्ट होगा ये 4 लेन एक्सप्रेस वे। तो गाइस अभी ये टॉल आया है बटाला में, नहीं देखो यहाँ पे कैश और लंका QR से ही पेमेंट होगा। तो गाइस वहाँ पे जब हम लोग टोल एंटर हुए थे ना, तो एक स्लिप दी गई थी, उस स्लिप को अभी यहाँ पे देना है, और उसके बाद जो जितना देर मतलब जितना भी आपने यूज़ किया ना टोल रोड, उसके अकॉर्डिंग आपको टोल पे करना है। अभी मैं गेल पहुँचने वाला हूँ, तो अभी यहाँ पे पे कर रहे हैं, ले लिया इन्होंने रिटर्न, और अब हम लोग चलेंगे। तो अभी यार सोचा यहाँ पे ना पहले किंग कोकोनट पी लेते हैं, ये देखो यहाँ पर तो ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 130 मतलब 35 रुपये का है गाइस इंडियन करेंसी में, और अभी बोल दिया मैंने किंग कोकोनट के लिए। तो अब मैं गेल पहुंच गया हूं, और सबसे पहले जा रहा हूं यार अपने होटल, क्योंकि ना अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो पहले होटल चलते हैं और होटल में ही थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे फिर निकलेंगे। तो गाइस जस्ट नाउ पहुंच गए हैं रेडिशन में, चलते हैं इधर से अंदर, वहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी, चल के चेक इन वगैरह करता हूँ, फिर आप लोगों को रूम टूर देता हूँ। सो गाइज अभी होटल में चेक इन करके मैं आ गया हूँ अपने रूम में, और आज मैं रुका हुआ हूँ रेडिशन ब्लू में, और 1 बेडरूम स्वीट लिया हुआ है मैंने, तो काफ़ी बड़ा रूम है, और यला से गेल तक आने में 2 घंटे लगे। इतना मस्त एक्सप्रेस वे बना हुआ है, मतलब यार 4 लेन से नीचे है ही नहीं, और बहुत मस्त सीनिक रोड है। आज कहीं भी नहीं रुके, क्योंकि यार टेम्परेचर ना 35 डिग्री से भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए कहीं नहीं रुके। फिर आज जो गेल में साइट सींग है ना वो करेंगे, बट वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी गाइस बस 12:30 बज रहा है, तो मैंने बोला कि पहले चलते हैं होटल, होटल में थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि यार इतना मस्त, ये मतलब समझ लो ना बेस्ट प्रॉपर्टी है गेल में रुकने के लिए। इसका प्राइवेट बीच से लेके सब कुछ है, वो सब आप लोग देखना होटल वाले ब्लॉग में। फिलहाल अभी पहुँच गए हैं, शाम को जाऊँगा गेल घूमने के लिए, तो अभी मैं यार जा रहा हूँ होटल में मस्त चिल विल करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से रेडी वेडी होके, फिर आपको पूरा गेल दिखाता हूँ। सो गाइज अभी मस्त रेडी वेडी हो गया हूँ, और अब टाइम हो गया है, पहले चलेंगे यार बाहर, और बाहर कहीं ना, यहाँ पे एक्चुअली गेल बहुत बड़ी सिटी है, मतलब बहुत बड़ी इन द सेंस उतनी बड़ी भी नहीं, बट ठीक है यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बाहर चलते हैं कहीं ना कहीं, कुछ आज फिर से इंडियन खाने का मन है, सुबह इतना कुछ खाया नहीं था, कुछ खा लेंगे उसके बाद चलेंगे गेल फोर्ट, और वहीं पे पूरा कॉलोनी वॉलोनी से लेकर सब कुछ एक ही जगह पे गाइज, म्यूजियम, फोर्ट, सब कुछ, लाइट हाउस वगैरह, तो सब कुछ देखते हुए आराम से आएंगे। फिलहाल चलते हैं और लंच करते हैं। और गाइज मौसम का भी पता नहीं चल रहा है यार, अभी ना एकदम देखो धूप भी है और बारिश भी हो रही है, बताओ देख रहे हो, ये देखो रुको ट्वेस्ट करते हैं, देखो बारिश भी हो रही है और थोड़ी थोड़ी धूप भी है। और गाइज अभी अचानक से ना बहुत भयंकर ही बारिश होने लगी है, देखो क्या मस्त भयंकर बारिश हो रही है,
सब लोग यार वहाँ पे जाके ना बाहर में छिप गए हैं, सब अभी स्विमिंग पूल के पास चिल कर रहे थे। कुछ लोग अभी भी ये देख रहे हो बारिश का मजा लेते हुए। आ गए हैं इंडियन हट फैमिली रेस्टोरेंट में, इसके 2-3 ब्रांच हैं। वहाँ आप लोगों को लाइट हाउस दिख रहा होगा, इस तरह पूरा समुंदर है। फिलहाल पहले अंदर चल के मैं यार लंच कर लेता हूँ। तो अभी लंच आ गया, ये है एग नूडल्स, कश्मीरी पुलाव, पनीर चिली एंड चिकन चिली। और व्यू चेक करो, क्या मस्त बारिश हो रही है। और अभी गेल में बैठ के मस्त लंच करते हैं। जस्ट चेक आउट दिस व्यू, वो था अपना इंडियन रेस्टोरेंट और इस तरफ सामने ये है लाइट हाउस। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल ओशन, देख रहे हो वहाँ पे गाइस क्रूज शिप चल रही है। यहाँ पे बीच नहीं है, ये देखो रॉक है, वहाँ पे बीच का थोड़ा सा एरिया दिख रहा है। सो गाइस ये देखो, ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। तो देख रहे हो क्या मस्त, मतलब ये अंदर जाने वाला रास्ता और ये साइड साइड से बना के रखा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये, मतलब यार मस्ट विजिटिंग प्लेस है श्रीलंका आ रहे हो तो। सो गाइस अभी मस्त लंच वंच करके, मतलब लंच तो नहीं मिला बट फिर भी हल्का फुल्का खा पी के मैं आ गया हूँ बाहर। खाने का टेस्ट बिल्कुल सही था, ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट। और यार गेल में ना जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट हैं सब एक ही जगह पे हैं, चाहे मैरीटाइम म्यूज़ियम हो या फिर गेल फोर्ट हो, लाइट हाउस हो, और जो कुछ भी है ना सब एक ही जगह पे है। बेसिकली यहाँ पे यार फ्रेंच और डच कॉलोनी है, तो ऐसा जब रूल कर रहे थे ना फ्रेंच वाले या फिर डच वाले या फिर ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने यहीं पर कॉलोनी बना के रखी थी। तो इसके अंदर आप एक बार आ जाओगे ना, अंदर ही आपको सब कुछ दिखेगा, हाई कोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, फलाना ढिमकाना सब कुछ अंदर ही है। और मस्त छोटी छोटी गलियां हैं और काफ़ी लोग घूम रहे हैं इस तरफ। ये देखो स्कूल के बच्चे बच्चे आए हुए हैं। तो यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है ओशन का, और ओशन के साइड साइड में भी बना हुआ है। तो गेल में बेसिकली यही है। तो अभी ऑलमोस्ट 5 बज गए, तो मैं जाऊँगा फोर्ट देखने, अगर तो ओपन होगा तो आज ही देख लेंगे वरना कल देखेंगे। फिलहाल म्यूज़ियम का भी क्योंकि यार टाइम होता है ना, तो मे बी अगर 8 to 5 होंगे या 9 to 6 होंगे, 6 तक होगा तो देख लूँगा वरना कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो अभी उस साइड से गाइस ऐसे करके, ये देख रहे हो इस तरफ ये अंदर कॉलोनीज है, छोटी छोटी गलियाँ, और साइड साइड में ये बड़े बड़े रोड्स। सो वहाँ पे भी एक्चुअली में व्यू पॉइंट है, सब लोग वहीं खड़े थे यार, तो मैंने सोचा भीड़ को इग्नोर करते हुए इस तरफ आ जाते हैं। और यहाँ से भी यार व्यू तो दिख ही रहा है ना गाइस, तो यहीं से व्यू को देख के इंजॉय करते हैं। और गेल में इस तरफ आप जितने भी घर देखोगे ना कॉलोनी के, ये सब गाइस पुराने ही हैं, एक भी घर इन्होंने नया नहीं बनाया है। इसलिए देख रहे हो ये जैसे बिहार में हम लोग देखते हैं ना खपड़ा ऊपर डाल के रखते हैं, ये वैसा वाला ही खपड़ा दिखेगा आपको हर घर के ऊपर। ये देखो इधर भी देखो, वहाँ भी देखो। सो गाइस अभी मस्त नज़ारे को इंजॉय करते हुए और चल रहे हैं। और श्रीलंका आके यार ये बेस्ट प्लेस है यहाँ पे। मतलब गेल में क्या खासियत है ना, ये जो आप अंदर मतलब फोर्ट वाला एरिया है और ये पूरा फ्रेंच और डच कॉलोनी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है गाइस। जितना भी है सब 100, 200, 300 साल पुराना ही है, एक भी न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है, ना होटल, ना घर, ना रेस्टोरेंट, ना और कुछ। हर जगह वही जो इंडिया में दिखता है खपरा वगैरह, वही सब दिख रहा है। तो यहाँ पे आके आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। बाल मैंने सेट किए थे बट यार हवा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कुछ सुन नहीं रहा है। मतलब बेस्ट व्यू है यार, अगर श्रीलंका आ रहे हो तो डोंट मिस गेल, गेल इज़ लाइक बेस्ट प्लेस। कैंडी के बाद मेरे को ये सबसे अच्छी जगह लगी। कुछ लोग गाइस यहाँ नहा रहे हैं, ये देखो वहाँ से नीचे जाने का बना हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स सेफ, बट ठीक है अगर आप नहाना वाना चाहो तो यहाँ नीचे जाके नहा सकते हो। और गाइस एक बार आप लोग व्यू देखो, मतलब इतना बेस्ट व्यू यार कहाँ देखने को मिलेगा आपको। देख रहे हो क्या बेस्ट व्यू नज़र आ रहा है, नो क्राउड, पीस, शांति, हवा, समुंदर, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। और इस तरफ अभी सामने अगर आप लोग देखोगे ना तो ये क्लॉक टावर, मतलब बिहार में यार हम लोग घंटाघर बोलते हैं बट यहाँ पे समझ रहे हो ना थोड़ा क्लॉक टावर बोलना पड़ेगा। तो ये वहाँ पे टाइम हो रहा है अभी, बट टाइम गलत बता रहा है, इतना टाइम नहीं हो रहा है, अभी 5:20 हो रहे हैं। क्लॉक टावर बंद है इनका क्योंकि बहुत पुराना है ना। सो यहाँ से गाइस ये मेन एंट्री है फोर्ट की, ये देखो, और फिर अंदर ही सब कुछ है। बहुत लोग है गाइस यहाँ पे, मतलब टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सो एंटर होते ही आपको मैप दिखेगा, तो आप इसका फ़ोटो और पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो ताकि आपको एक अच्छा रेफरेंस मिले। अब यहाँ से निकलने के बाद बाहर आपको गेल सिटी देखने को मिलेगी। सामने यार ये जो बस देख रहे हो ना ब्लू कलर की, इस प्राइवेट बस है श्रीलंका, और जो रेड वाली होती है वो सारी सरकारी है, गवर्नमेंट बसेस। बाहर हर जगह के लिए आपको बस मिल जाएगी, ये देखो इस तरफ वहाँ तक लोग जाके बैठे हुए हैं। अभी वहाँ से आगे आने के बाद यहाँ पे एक और प्लेस था और मस्त बना हुआ है यार आगे तक जाने के लिए ना,
तो जा रहे हैं। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा हुआ ना कि यहाँ पे गेल फोर्ट देखना था और मैरीटाइम म्यूजियम देखना था, बट दोनों के टाइमिंग्स 5 बजे तक हैं तो बंद हो गए क्योंकि 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है अभी और कुछ प्लेसेस देखते हुए चलते हैं होटल, होटल में मस्त सनसेट इन्जॉय करेंगे। और कल सुबह गाइस 8 बजे फिर से खुल जाएंगी वो सारी चीज़ें, तो कल सुबह मैं देख लूँगा उसमें क्या। तो इसीलिए अभी चल रहे हैं हम लोग, मस्त इन्जॉय कर रहे हैं। तब तक गाइस ये जगह एक बार देख लो यार, जहाँ पे अभी रुके हैं वहाँ पे बीच है और बीच पे गाइस वो लोग खेल रहे हैं, श्रीलंकन लोग हैं। और इस तरफ ये पूरे नज़ारे और यहाँ पे गाइस बिल्कुल वहाँ तक जाके बैठ सकते हो, इस तरफ हो रहा है सनसेट। और ये जो होटल है ना ये ओशन फ्रंट है, इससे भी आगे है रेडिएशन ब्लू। तो ये देख रहे हो ये बैक वाटर्स की तरफ चल गया इधर, और इधर पूरा भाई सी क्या नज़ारे आ रहे हैं गाइस यहाँ। सो गाइस इस प्लेस से भी अभी मस्त इन्जॉय कर लिया और अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने होटल, और अब होटल में चल के मस्त सनसेट इन्जॉय करते हैं। सो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने होटल और यहीं हो रहा है मस्त सनसेट। इस तरफ ये देखो पूरा होटल का प्राइवेट बीच है, तो अभी यहीं पर सनसेट इन्जॉय करेंगे मस्त बढ़िया, क्योंकि यार होटल देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल बीच है इसका, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। इस तरफ हो रहा है सनसेट तो इसलिए मैं इस तरफ खड़ा हूँ, पीछे स्विमिंग पूल है, एक बार सनसेट एंजॉय कर लेते हैं फिर चलेंगे पूल में और चल के मस्त रिलैक्स करेंगे। सनसेट के टाइम पे होटल का माहौल देख लो, यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और इस तरफ भी कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। पीछे ये पूरा होटल का व्यू, मस्त सीनिक व्यू आ रहा है यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो सनसेट आके। यार सनसेट विटनेस करने का ना अपना एक अलग ही मज़ा है, मतलब मेरे को तो पर्सनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या मस्त सनसेट हो रहा है, देख लो धीरे धीरे सन नीचे जा रहा है, और यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है ना ये गाइस बिल्कुल बेस्ट वाइब्स है। सो गाइस अभी सनसेट हो चुका है तो फटाफट से चलते हैं रूम में और चेंज कर लेते हैं और आते हैं स्विमिंग पूल में और मस्त गाइस रिलैक्स और चिल करते हैं। चलिए सो गाइस अभी रूम में आके मैंने चेंज कर लिया है और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया, तो अब चलते हैं और चल के मस्त स्विमिंग पूल में चिल करते हैं थोड़ी देर। सो गाइस ये देखो स्विमिंग पूल मस्त एकदम सेक्सी, चलिए अब स्विमिंग पूल में चलते हैं, यहाँ से चलेंगे हम लोग। तो गाइज अभी स्विमिंग पूल में मस्त चिल कर लिया है और स्विमिंग पूल के टाइमिंग 7 बजे तक ही है, तो अब यार यहाँ से निकलते हैं, चल के थोड़ा बात कर लूँगा उसके बाद हम लोग चलेंगे डिनर करने के लिए। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 9, बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं डोमिनोज, मस्त पिज़्ज़ा खा के आते हैं। चलिए यहाँ पर डोमिनोज और उस तरफ आगे कहीं पिज़्ज़ा हट था, बट पिज़्ज़ा हट नहीं जाएंगे, डोमिनोज ही चलते हैं और चल के पिज़्ज़ा खाते हैं। सो गाइज़ जस्ट चेक आउट द प्राइजेस, पिज़्ज़ा के जो भी प्राइजेस हैं ठीक ठाक है यार, इतना कुछ खास मतलब महंगे नहीं है। प्राइजेज अगर देखोगे तो 150, 200, 250, 300, 400 तक हैं। सो गाइज एक्चुअली ना डोमिनोज का क्लोजिंग टाइम हो गया था, तो उन्होंने टेक अवे दे दिया, डाइन इन नहीं दिया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार लेके आ जाता हूँ रूम में ही खाएंगे। तो अभी सब कुछ लेके आ गया तो मस्त खाते हैं डिनर करते हैं। ये ना मैंने चिकन प्लेटर लिया, ये इंडिया में नहीं मिलता, यहाँ मिल रहा था, तो एक चिकन प्लेटर इसमें कुछ 10 पीस होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, हाँ 10 पीस ये और डिप और इसके साथ। और ये मैंने एक पिज़्ज़ा लिया है अपने लिए, बाकी इसमें गाइस एक डेजर्ट है तो अभी खाते हैं यार। सो गाइस आज मैं आया यला से गेल और सबसे पहले आ गया और होटल में चेकिंग किया क्योंकि उस समय धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर हम लोग गए गेल फोर्ट, मतलब गेल फोर्ट के अंदर घुसोगे ना वहीं पर सब कुछ है भाई, वो पूरा फ्रेंच एंड डच कॉलोनी, वहीं पर लाइट हाउस, खाने पीने की चीज़ें सारे, क्यूजन के फूड मिल रहे हैं और बेस्ट व्यू आता है वहाँ से, म्यूज़ियम भी वहीं पर है, मतलब गेल में जो जो भी देखने का है ना सब वहीं पर है। तो वहाँ पे मस्त टाइम वाइम स्पेंड किया, खाना वाना खाया, फिर उसके बाद मैं आ गया होटल और फिर तो यार पूरे टाइम होटल में था क्योंकि रेडिएशन में रुका हुआ हूँ भाई, तो यहीं पे इसका प्राइवेट बीच है देन काफ़ी एरिया है, तो बहुत मस्ती की, पूल में गए, चिल विल किया ये वो। फिर अब भी यार चले गए डोमिनोज, मतलब पास में ही डोमिनोज था, गए 2-3 किलोमीटर होगा। फिर डोमिनोज यहाँ का यार काफ़ी सही है यार, सस्ते में निपट गया मैं तो, फिर आराम से आए। और वहाँ पे ना वो लोग दे नहीं रहे थे क्योंकि उनका क्लोजिंग टाइम हो गया था, तो इसीलिए रूम में लेके आना पड़ा, फिर खाया वाया। अभी सब कुछ हो गया है तो यहाँ पे यार जो जो देखने का था देख लिया, जो बच गया मतलब म्यूज़ियम था वो बंद हो गया था, 5 बजे बंद हो जाता है, तो वो अब मैं सीधा देखूँगा कोलंबो में। तो फिलहाल के लिए गाइस इस व्लॉग में अब इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, आई विल लेट यू नो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।